रहमान रहीम रॉयल मॉर्निंग में मेरी तरफ से और मेरी को होस्ट सबा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आज की जो सुबह है वो बहुत खूबसूरत होगी और इस उम्मीद के साथ कि सबका दिन अच्छा गुजरे, जिसके जो काम हैं अल्लाह पाक वो कामयाब हों उन कामों में और कोशिश करें कि हंसी खुशी सारे काम निपटाएं। ये जो आजकल मौसम भी कुछ ऐसा है ना, सब आपको पता है मौसम बहुत गर्मी है, घबराहट तो दिमाग भी जो है ना वो गर्म ही रहते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा चिल करें, पानी की बॉटल पास रखें, कोई गाड़ी शाड़ी मार देते हैं हॉर्न की आवाज़ आती है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि ये तो लाइफ का एक हिस्सा है, ये तो चलता रहता है, लेकिन बहुत कूल और बहुत पीसफुल लाइफ को गुजारना चाहिए, फिर आपके जो फेस होता है ना फेस भी सही रहता है, क्योंकि सब सही बात है ना अनिका, क्योंकि अभी रिंकल्स आ जाते हैं। रिंकल्स के अलावा भी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कह रही हो ना कि पीस वाला जो मैटर है ये बहुत काउंट करता है, क्योंकि ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। अब देखें ना, सुबह लोग, आपने कहा कि हॉर्न की वजह से लाइक गाड़ी लग जाए या उसकी वजह से परेशानी हो, तो प्रॉब्लम ये होती है कि भाई आपके अंदर जो एक फाइट हो रही होती है ना, वो ये होती है कि सुबह जो उठ के हमारे जो प्लान्स होते हैं, सुबह उठ के जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ समटाइम मिक्सअप हो जाती हैं, दिमाग में कुछ जोर चल रहा होता है, शोर चल रहा होता है, तो लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे मॉर्निंग शो के थ्रू जब हमें लोग देखें और जब हमारे साथ आप अपना टाइम शेयर करें, तो डेफिनेटली हमारा यही विजन है, हमारा यही पर्पज है कि अपने आप को कम्फर्टेबल करें। वेकेशन चल रही है, बच्चे घर में हैं और कुछ लोग तो हॉलीडेज पे गए हुए हैं, और ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों पढ़ना भी चाहिए। और मैं एक बात मेंशन करूंगी कि कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आजकल सिर्फ नेट पे और सोशल मीडिया पे रहते हैं, प्लीज इस चीज से हटो, अपनी फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें, जितना हो सकता है अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने पेरेंट्स के साथ रहें, आपको कोई प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करें, ना कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ना कि आप फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर करें, नहीं आप करें, ट्वीट करें, बेशक करें, लेकिन वो प्रॉब्लम, वो चीजें शेयर करें जो रैंडमली चलती हैं आपका, उससे लोग नुकसान ना उठाएं। और प्लीज ये जो लोकेशन वाला मसला आया हुआ है ना, इसको सीरियसली बहुत से हैपन हो रहे हैं। अनिका, मैं आपके साथ एग्री करूंगी इस बात पे कि जो आप अपनी लोकेशन मेंशन करते हैं, प्लीज फेसेस अपनी प्राइवेसी को प्राइवेसी बनाएं, क्योंकि जब हम एक पब्लिक फिगर हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए बड़े मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। इतने इश्यूज चल रहे हैं, बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, और फेसबुक ये ऐसी चीज है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन है और क्या है। अनिका, ये एक फैशन ट्रेंड बन गया कि इफ यू आर सिटिंग एनीवेयर आप फॉरन जल्दी से अपना जो है वो लोकेशन, आप खाना खा रहे हैं, आप लोकेशन कर रहे हैं, आप घर में बैठे आप लोकेशन, नहीं, इससे थोड़ा अवॉइड करें। बहुत प्यारी फैमिली होती है, फैमिली के साथ चिट चैट करें, मस्ती करें। आई थिंक फेसबुक के ऊपर पिक्चर इज एनफ, आपने ना वो टैग कर दे, सेल्फी वाली सेल्फी होती है। चलिए जी, ये चीजें चलती रहेंगी। और अगर हम इस तरफ देखें अपनी, और वो जिसकी बात हम करते हैं सुबह-सुबह कि हम लोगों को भी थोड़ा सा मेकओवर करना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, तो हम अगर देखें, अजान हमारे सामने साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, और इनके साथ जो है इनकी मॉडल है। अभी आप क्या मेकओवर करेंगे, क्या जी, क्या आज क्या लुक देने लगे? सबसे पहले हम इनको बिल्कुल स्टूडेंट जैसे कॉलेज में लड़कियां अक्सर लाइट सा मेकअप, वेदर भी बहुत जो है ना गर्मी है, और मेकअप बेस अब ज्यादा वो वाला ट्रेंडिंग है, बताएं कि लोग बहुत ज्यादा बेस कर लेते हैं, लाइट बेस लगेगी जो बिल्कुल गर्मी में भी अगर आपको पसीना आता है तो उससे वो ग्लो करेगी, वो बिल्कुल लाइट इसकी होगी, बिल्कुल कैजुअल स्टूडेंट में हम इनका मेकअप करेंगे, उसी मेकअप को दोबारा हम पार्टी वेयर में चेंज करके आपको दोबारा आपको दिखाएंगे। हो तो सकता है कि आप, लेकिन आप पार्टी मेकअप जो है वो बहुत आजकल मैंने देखा है कि वो भी बहुत लाइट लाइट होता था, कोई स्मोकी आईज कर देते थे, कलर उठा के आंखों पे रखते ना, बहुत जैसे गांव में, और बहुत ज्यादा था कि आपका जो पहना है येलो भी है तो वो भी उठा के येलो रखा हुआ है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा ब्लश ऑन और ये आईज जी, आजकल ऐसा नहीं है, और वो भी बहुत लाइट और नेचुरल में आ चुका है, आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है। और हमारी जो मॉडल है वो भी बड़ी प्यारी है, क्यूट सी है, और देखते हैं कि आप कितना सॉफ्ट मेकअप देते हैं, और कितनी, क्योंकि बड़ी सॉफ्ट लुक आ रही है उनकी, तो सॉफ्ट लुक मॉडल भी बहुत प्यारी है आपका। अच्छा, और हमारे साथ मॉडल, आपका नाम सोबिया है, ठीक है जी? ठीक है सोबिया, आपको कैसा लग रहा है? माइक है आपके पास? नहीं है, चले कोई बात नहीं, होपफुली हम आपके पास भी आएंगे, उसके बाद आएंगे कि आपको मेकअप पसंद आया। मुझे तो पता है, क्योंकि इनके हाथ में वो कहते हैं ना जादू है, ये जादू से पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं, लड़की को पता नहीं क्या बना देते हैं, लेकिन
उनकी जो एक मासूमियत है वो रहेगी। आर्टिस्ट आप बताएं कि मेकअप आर्टिस्ट हमेशा वो अच्छा होता है जो आपके फीचर्स को वो ना उसको इन्हेंस करे, मतलब ये नहीं कि आप मेकअप करके उसको डल कर देते हैं और वो इतनी खूबसूरत मासूमियत खत्म कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली आप सही कह रही हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ पे कंटूरिंग पे सारा ये होता है कि आप गोल फेस है उसको कैसे आप करते हो, लॉन्ग है उसको कैसे आप कंटूरिंग करते हो। अच्छा मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आप कॉलेज का मेकअप जो है वो आज उसका स्टाइल बताने लगे हो, तो कॉलेज में जो कंटूरिंग है डे टाइम में जो कंटूरिंग है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आप डे टाइम में कंटूरिंग इतनी आसानी से नहीं कर सकते। आज आपकी जो कंटूरिंग है उसमें क्या सीन है? डेफिनेटली डे मेकअप अलग होता है, नाइट अलग होता है, कॉलेज का आप देखिएगा बिल्कुल लाइट होगा लेकिन इनके चीक्स इनका प्रॉपर नजर आएगा लेकिन बहुत लाइट होगा, जिसमें आप डे में घूमेगी भी तो इतना फील नहीं होगा लेकिन चिक्स प्रॉपर प्रोमिनेंट। अनिका आई थिंक मेकअप जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, मेकअप स्टार्ट करें, हम आपको बीच बीच में तंग करते रहेंगे और किसी वक्त भी आके हम पूछ सकते हैं आप कर क्या रहे हैं, डर नहीं जाएगा कि हम अचानक छापा मार देते हैं, हम दोनों बड़े देर में अचानक पीछे से आके छापा मार देते हैं, हम कहीं से भी आ सकते हैं। ये ना हम भी करवाना शुरू कर दें मेकअप यहाँ पे बैठ के, नहीं नहीं अगर अच्छा हुआ तो फिर हम भी करवाएंगे, लाइव मेकअप होगा। चलिए जी लाइव से बात याद आई, अभी हम जाएंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताऊँ की हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हैं, जैसे हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपकी जो मॉर्निंग है वो बहुत खूबसूरत बनाएं, उसको कोशिश होती है कि ऐसे गेस्ट लाएं जिनको आपने कभी पहले देखा तो होता है लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि आपको पता है गेस्ट को बुला के ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं पूछने कि गेस्ट के बाद में कह के जा रहे होते हैं कि यार ये क्या बात की आप लोगों ने हमारे साथ, अलग बात है। आज जो हमारे गेस्ट है हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आज वो जिस तरह के अपनी जिस फील्ड में वो है जिस तरह से वॉच टाइम निकाल कर आए हैं ना, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट थिंग। और सुबह सुबह टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है इन लोगों के लिए जो आज हमारे गेस्ट का हिस्सा है, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी कमर्ज है, लोगों के साथ एफिलेटेड है, लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों के इश्यूज के साथ, लेकिन जब वो यहाँ पर आएंगे तो आप यही समझेंगे कि वाकई वो आपके घर के लिए बहुत अच्छा टाइम। चलिए यहाँ लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, क्योंकि ब्रेक तो बनती है, ब्रेक नहीं होगी तो प्रोग्राम कैसे चलेगा, तो मिलते हैं रॉयल मॉर्निंग में ब्रेक के बाद।